नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेटअप में। उसका कारण ये था कि आज के इस वीडियो के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट थी एक प्रोजेक्टर की। तो इसमें अगर देखें कि आज से हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। अगेन, ये एक फ्री इनिशिएटिव है और इसमें आप लोगों को RO, ARO, BEO या अपर PCS की सभी परीक्षाओं, इसके अलावा अगर लोअर PCS की भी बात करें, इन सभी परीक्षाओं में जो एक विषय केंद्र के रूप में उभरता है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है, वो है ऑब्जेक्टिव हिंदी यानी वस्तुनिष्ठ हिंदी का पेपर। उसका वेटेज इन सभी में ज्यादा है। तो उसी के मद्देनजर हम लोग एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों की समग्र तैयारी इस वीडियो सीरीज के माध्यम से होगी। डेली बेसिस पर यह वीडियो अपलोड होगी। इसमें आप लोगों को लगभग जो हिंदी की बेस्ट 5 से 6 किताबें होती हैं, उन सभी किताबों का संकलन, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट उन सभी चीज़ों का है, और उन सभी चीज़ों का बेहतरीन संकलन, साथ में जो रिपीटेड प्रश्न या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का एक बेहतरीन हम लोग आप लोगों को संग्रह यहाँ पर समझा रहे होंगे, उनकी इम्पोर्टेंस बता रहे होंगे। और इसका साथ में PDF भी आपको आपके हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। आप जैसा कि जानते ही होंगे, जो लोग जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वो जानते होंगे कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐसी कई सारे फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो कि आपकी इस परीक्षाओं की तैयारी से, स्पेशली अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा तैयारी से, तो इसकी सारी परीक्षाओं की तैयारी से बहुत अहम इनिशिएटिव चल रहे हैं। चाहे वो हमारा, ये देखिए, डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देते हैं जो कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, न केवल अपर PCS मेंस के लिए उपयोगी है, बल्कि BEO की परीक्षा यानी खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा आगामी 4 से 6 महीने में संभावित है, उसके लिए भी यह इनिशिएटिव बहुत हेल्पफुल होगा। डेली बेसिस पे आप लोग न केवल ये प्रश्न देखते हैं, बल्कि साथ में उसका आप उत्तर अपना भेज सकते हैं, और वो उत्तर भी उसका फ्री इवेल्युएशन होता है। साथ में आपको एक मॉडल आंसर भी दिया जाता है, उसके साथ ऐसे की वीकली प्रैक्टिस कराई जाती है, और डेली बेसिस पे आपको एडिटोरियल दिए जाते हैं। ऐसे कई सारी इनिशिएटिव आपके लिए चलाए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम लोग देखें कि हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारा एक मेन इनिशिएटिव है कि हम लोग इसमें आपको RO, ARO और BEO और अपर PCS तीनों में जो सबसे एक कॉमन टॉपिक है, जैसे आपका ऐसे हो गया, ऐसे उसमें पूछा जाता है, यानी कि निबंध का प्रश्न पत्र जो है तीनों में एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है, तो उसके लिए हम लोग डेली बेसिस पर एक एक कोटेशन उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ ही में वीकली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें आप लोगों को वीकली बेसिस पे आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है, आप लोग उस पर निबंध अपना लिख के भेज सकते हैं। कई सारे बच्चे ऑलरेडी इससे लाभान्वित हो भी रहे हैं, वो उसमें अपना ऐसे भेजते हैं जिसका प्रॉपर इवेल्युएशन करके 3 से 4 दिनों में, जैसी भी हमारी टाइम की अवेलेबिलिटी होती है, 3 से 4 दिनों में या उससे पहले भी हम लोग इसको चेक करके वापस उनको समग्र विश्लेषण के साथ में भेज दिया जाता है। तो ऐसे का हम लोग पर डे बेसिस पर एक कोटेशन देते हैं। उसके साथ ही जो ऑब्जेक्टिव हिंदी का है, उसमें हम लोग सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, चाहे वो शुद्ध अशुद्ध हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप देखे होंगे न्योछावर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगेन जैसे अनेकों नाम है अनेक, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग इस परीक्षा को पहले कुछ बार दिए होंगे, इस परीक्षा से अनुभव उनका कुछ भी होगा, तो वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से तद्भव तत्सम पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका न केवल अपर PCS में आता है, RO में आता है, इन सभी में आपका प्री और मेंस दोनों में ही हमें देखने को मिलता है, उसकी तैयारी करवा रहे होते हैं। साथ में शब्द विलोम शब्द की तैयारी, पर्यायवाची जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। अब पर्यायवाची एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पढ़ने को अगर आप बुक में जाएंगे, तो बुक में सारी चीज़ें एक तरफ से आपको हजारों पर्यायवाची हैं, आप कितना रटेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा शब्दावलियाँ होती हैं, आप किसी भी व्यक्ति के लिए सारा रटना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसको भी कवर करा रहे होंगे। साथ ही देखिए, RO की मेंस की परीक्षा में प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि अलग अलग किताब में ऐसी बहुत सारी शब्दावलियों का भंडार है, आप अगर उसको एक तरफ से रटने जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमें किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और अंततः आप इसमें हम लोग, हमारी ये कोशिश है कि इसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं उनको हम लोग यहाँ पर आपको देते हैं।
और इसी प्रकार से मुहावरे लोकोक्तियां भी जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, यानी 4 से 5 बुक्स में जो कुछ भी आप लोगों को निचोड़ दिया हुआ है वो सारा निचोड़ हम लोग आपको पीडीएफ के माध्यम से अभी तक देते रहे हैं। ये इनिशिएटिव मान नया नहीं है, ये इनिशिएटिव हम 15 दिन 16 दिन हो गया लगभग तब से चला रहे हैं। तो लेकिन अब हम लोग इसको वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि आप जब हमने इसमें जैसे हम आपको ऐसे वाला देते थे तो ऐसे कोटेशन है, तो ऐसे कोटेशन में क्या होता था कि बच्चे रट तो ले रहे हैं, पर जब हमने उनकी कॉपियां चेक की ऐसे की तो हमें ये समझ में आया कि वो रट तो ले रहे हैं मगर उनको ये संदर्भ ही नहीं पता रहता कि हमें इस कोटेशन को कहाँ पे यूज करना है। फलता है वो कहीं भी उसको यूज कर देते हैं जिसकी वजह से आपका ऐसे खराब हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से अगर मैं उसका मतलब भी समझा सकूं, साथ ही आपके जैसे जो अशुद्ध शुद्ध शब्द हैं उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, या फिर कहाँ पे क्या गलती है, अगर हम ये आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताएंगे समझाएंगे तो मेरा भी ये मानना, और एक साइंटिफिक स्टडी भी कहती है कि अगर आप कोई भी चीज को ऑडियो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखते हैं, तो जो आपके माइंड में रिटेंशन पावर होता है वो आपके उनसे ज्यादा बेहतर होता है जब आप इसको केवल पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए कि आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप इसको एक बार सुन लीजिए और उसके बाद आप इसको पीडीएफ आपको जो ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी उससे आप इसको पढ़ लीजिए। डेली बेसिस पे आपको केवल ये करके चलना है। आपकी जो परीक्षा है वो किसी भी हालत में अप्रैल से पहले होने की संभावना नहीं लग रही है, तो ऐसे में अगर आप देखिए कि अप्रैल तक आपका अगर ये डेली बेसिस पे आप करते रहेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपका कोई भी प्रश्न इसके बाहर से आने की संभावना बनती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 से 5 बेस्ट बुक्स का कंपाइलेशन तैयार कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग ऐसे की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। विश्वास मानिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसा कोई नहीं करता है कि वो वीकली बेसिस पे ऐसे की प्रैक्टिस कर रहा हो। इवन हमारे ग्रुप में भी अभी लगभग जो भी 800-800 लोग हैं उन सभी में आप देखिए कि ऐसे की प्रैक्टिस लोग नहीं करते दिखते हैं, केवल वही 10-12 लोग ही ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं, वही अपने ऐसे जचवाते हैं। तो ऐसा कंपटीशन आपको पेपर में भी मिलेगा क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, और अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप रणनीतिक रूप से उन लोगों से लाभ लेने की स्थिति में होंगे। इसी प्रकार देखिए हमारे ग्रुप में आपको मॉडल ऐसे भी दिए जाते हैं, जो भी ऐसे दिया जाता है, जो भी निबंध का टॉपिक दिया जाता है, अंत में एक हफ्ते बाद जब सभी कॉपियां चेक हो जाती हैं उसके बाद ये हमारे द्वारा लिखा हुआ या फिर हमारे कुछ एक ऐसे मित्र हैं जो कि विभिन्न लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में चयनित हो चुके हैं, उन लोगों के द्वारा लिखा हुआ जो हम लोग निबंध हैं वो आपको, या फिर डेली बेसिस पे जो आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स उपलब्ध कराते हैं हम। उन एडिटोरियल में आप देखिए कि डेली बेसिस पे जो भी एडिटोरियल्स हैं उन सभी में हम आपको सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उसके बिंदु होते हैं उन सभी को अंडरलाइंड वे में देते हैं, यानी अब आपको कोई ऐसी डर की भावना नहीं रहनी चाहिए, कोई ऐसी ग्लानि की भावना नहीं रहनी चाहिए कि हमारे पास इंग्लिश मीडियम जैसे बेहतरीन एडिटोरियल्स नहीं है, संपादकीय नहीं है। आपके पास इंग्लिश मीडियम में लोग हिंदू पढ़ लेते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर हमने हिंदी के लगभग 10 से 12 जितने भी आर्टिकल्स होते हैं सभी को हमने लिया है, चाहे वो दैनिक जागरण का हो, दैनिक भास्कर का हो, जनसत्ता का हो, या ऐसे बिजनेस स्टैंडर्ड का हो, किसी का भी हो, उन सभी के आर्टिकल्स को हम लोग अंडरलाइंड वे में देते हैं। तो ये सभी चीज़, ये एक बहुत मेहनत वाला काम है जो कि आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, और मेरी बस यही आपसे आग्रह है कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और हमारे ग्रुप में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि हम लोग जल्द ही आने वाले दिनों में लेने वाले भी हैं। ये डेली बेसिस पे जो आपको प्रश्न दिया जाता है उसका देखिए आप आंसर भी, आप लोगों को मॉडल आंसर दिया जाता है, और इन सभी इनिशिएटिव से निश्चित रूप से आप न केवल प्री परीक्षा में बल्कि मेंस परीक्षा में दोनों में लाभान्वित हो रहे होंगे। और जो जहाँ तक रही हमारी ऑब्जेक्टिव हिंदी वाली बात, तो ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए आप लोगों के लिए रामबाण इलाज यहाँ पर हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी अगर आप हमारे इस डेली बेसिस पे इस वीडियो को सुनते हैं, उसके साथ ही हमारे पीडीएफ को ज्वाइन करते हैं, पीडीएफ को रीड करते हैं, क्योंकि उसका हम लोग डेली बेसिस पे क्विज भी लेते हैं, और क्विज लेते हैं जिससे आपके और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो भी सॉल्व होते रहते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा, और कल से हम लोग इस पर प्रॉपर अपनी जो है क्लासेस शुरू कर रहे होंगे।
जिसमें हम लोग ऑब्वियसली संडे के दिन ये आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी दिन ये उपलब्ध रहेगा, इसका पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगा और इससे आप लोग निश्चित तौर पर एक बेहतरीन लाभ लेने की, रणनीतिक लाभ लेने की स्थिति में होंगे, ऐसी मेरी कामना है, आशा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित तौर पर इससे जुड़ेंगे और हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।